भोपाल में आज यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज पार्टी कार्यालय से बोर्ड ऑफिस तक पैदल मार्च किया और कृषि बिल का विरोध किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने देश की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वही मोदी जी जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, यही मोदी जो 15 लाख की बात करते थे, आज हमारा किसान भटक रहा है, हमारा किसान परेशान है। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? न्याय के लिए कर रहे हैं। आज नौजवान भटक रहा है। आज का नौजवान 20 साल पहले गांव से वो पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, कॉलेज नहीं जाता था, पर 20 साल में आज का नौजवान पढ़ लिख लिया, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने MBA कर लिया। ये ना गांव का रहा ना शहर का रहा, उसकी कितनी पीड़ा है। और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, इसके हाथ में हमारे प्रदेश का भविष्य। आज रोजगार का कोई नाम निशान नहीं, कोई निवेश मध्य प्रदेश में नहीं, ये आज हालात है। और मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, उनको आप ये सच्चाई दिखाइए। हमारी लड़ाई आपको कोई माफी नहीं मांगनी, आपको तो सच्चाई दिखाइए। इसके साथ ही कमलनाथ ने कांग्रेस के युवा नेताओं का जोश भी बढ़ाया और कहा कि कांग्रेस के युवा नेता लोगों के बीच जाए और उन्हें सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताएं। आज आपके ऊपर है, आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। और आप कांग्रेस से जुड़े हैं, आप उस पार्टी से जुड़े हैं जहां अपने देश के 1.5 लाख गांव जो है, हर गांव में आपको 3 चीजें मिलेंगी, एक फूल का झाड़ मिलेगा, एक पूजा का स्थल मिलेगा और एक कांग्रेस कार्यकर्ता मिलेगा। आप उस पार्टी से जुड़े हैं और यही संस्कृति की रक्षा करनी है। आंदोलन संघर्ष अगर अब नहीं आप करेंगे, तब क्या आप मेरी उम्र वाले जब हो जाएंगे तब करेंगे? यही आपका मौका है संघर्ष करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवक कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी, युवक कांग्रेस में एक नई ताकत आएगी और आप इस देश, अपने प्रदेश के भविष्य का भार आपके कंधों पर है, आपके कंधों पर ये भार है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से विधानसभा सत्र होना है और इससे पहले यूथ कांग्रेस ने ये पैदल मार्च करके सख्त प्रदर्शन करने का प्रयास किया। वहीं 28 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा घेराव का ऐलान कर चुकी है, जिसमें वो किसानों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हालांकि इसकी अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है और धारा 144 रविवार रात से लागू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।